तो चेनलॉन्ग वर्सेस विक्टर एक्सेलसन दो ऐसे प्लेयर्स जिनकी मैचेस और गेम प्ले मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। शुरुआत ही करते हैं इनके गेम प्ले पे। और उनसे पहले जिस चीज़ के बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि जब मैं खेलता था तब मेरे फेवरेट्स जो पर्सन है वो कुछ ऐसे फेवरेट्स होते हैं जैसे कि किसी का फुटवर्क पसंद होता है, किसी की गेम प्ले पसंद होती है, किसी का बोल सकते हैं ना कि स्टेमिना पसंद है। ऐसे अलग अलग मेरे कैटेगरीज होते थे, वैसे मैं देखता था गेम प्ले को। लाइफ में जो बेसिक चीज़ बहुत ही जल्द मुझे पसंद आ गई थी और भाई देख के भी अच्छा लगता है और गेम प्ले भी अच्छा है उनका, वो है चेनलॉन्ग, जिनका फुटवर्क मुझे आज तक का, मैंने लिंडन की गेम प्ले देख रखी है, उनका फुटवर्क देख रखा है, ली चोंगवे सारे टॉप क्लास प्लेयर्स का देखा है, बट एक स्टेबल और एक टॉप टीयर लेवल का जो फुटवर्क बोलते हैं ना वो कैसा होना चाहिए, वो है चेनलॉन्ग का। कोई क्वेश्चन नहीं है भाई चेनलॉन्ग का जो ये, आप मैं बेसिक आपको बता देता हूँ, आप नेक्स्ट एक या दो रैली देखो उसके अंदर आप सिर्फ उनके लेग्स कैसे मूव कर रहे हैं उस पर फोकस करो। मैं उसके बाद आपको डिस्कस करके एक एक चीज़ें बताऊंगा कि क्यों उनका फुटवर्क टॉप लेवल पे है। यहाँ से देखो अभी वो मूव करेंगे, देखो सेंटर से वो कैसे मूव कर रहे हैं, वैसे उनके पैर लेग्स पे देखो, सिंपल ये रैली गई, देखो नेक्स्ट रैली। वो अभी पॉइंट्स हार रहे हैं वो अलग बात है, बट मैं उनके फुटवर्क के बारे में बात कर रहा हूँ। वो फुटवर्क पे से सिंपली उनका लेग्स जो मूव कर रहे हैं उस पर फोकस करो। एक चीज़ जिस पे आप बहुत ही ज़्यादा आपने नोटिस किया हो ना किया हो वो अलग चीज़ है, तो मैं बता देता हूँ आपको। सेंटर पे जाना, अगर आप प्लेयर हो तो आपको एक चीज़ पता होगी हमेशा कि सेंटर पे जाना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है और कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सेंटर पे जाने का सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट मीनिंग ये है कि आप शटल को कहीं पे भी पहुंचा सकते हो, मतलब अगर आप सेंटर पे पहुंच गए कुछ भी करके तो आप नेक्स्ट शॉट के लिए रेडी रह सकते हो। सिंपल ये बेसिक आइडिया होता है सेंटर पे रहने का। तो आप चेनलॉन्ग के फुटवर्क को देखो, आपको ऐसा लगेगा कि वो कोर्ट में सिर्फ चल रहे हैं, देखो कहीं पे भी मूव करें ये तो भाई एक्सेलसन शायद पॉइंट्स ले रहे हैं। आप उनके फुटवर्क पे, चेनलॉन्ग के फुटवर्क पे देखो, आप उनके फुटवर्क पे देखो, देखो यहाँ पे कितना इजी तरीके से वो जंप्स ले रहे हैं, कितना इजी तरीके से वो मूव कर रहे हैं कोर्ट के अंदर। आपको देखो सबसे फ्लॉलेस और सबसे इजी, सबसे इंपॉर्टेंट फुटवर्क अगर आपको देखना हो तो आंसियंग से मैं कंपेयर करूंगा। हाँ चेनलॉन्ग जितना बेस्ट तो नहीं है उनका फुटवर्क, बट स्टिल आंसियंग का फुटवर्क सबसे बोल सकते हैं ना कि एक स्टेबल। ऑफकोर्स एक्सेलसन जो अभी खेल रहे हैं, अभी के एक्सेलसन है, वो उनका फुटवर्क भी बहुत अच्छा खासा है, बट हमेशा अगर मुझे फुटवर्क का नाम लेना चाहिए मैन सिंगल्स के अंदर तो वो हमेशा चेनलॉन्ग रहेंगे। कि चेनलॉन्ग का फुटवर्क आप देखो, वो कहीं से भी देखो, सिंपली वो खड़े हैं। और एक चीज़ आप हमेशा याद रखना कि जो भी चीज़ जो एफर्टलेसली आप करे जा रहे हो वो आपका प्लस पॉइंट है। जैसे कि आप स्मैशेस मार रहे हो तो स्मैशेस आप इतने इजी तरीके से मारते हो, दूसरे लोगों को जितना बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है बट आप उसको बहुत ही इजी तरीके से मार लेते हो, उसी चीज़ को बोलते हैं कि भाई उस चीज़ में आप एक्सपर्ट हो, या फिर आपको उस चीज़ बहुत मतलब थाउजेंड ऑफ आवर्स ऐसा फुटवर्क अच्छा खासा लगाने में लगता है। आप करंट के जितने भी प्लेयर्स को, जितने भी लोगों को देखोगे उनमें से स्टेबल फुटवर्क आपको एक या दो ही प्लेयर्स होंगे जिनका देखेगा। स्टेबल से मेरा मतलब ये है कि आपको लगेगा ही नहीं वो कोर्ट में मूव कर रहे हैं, वो शांति से कहीं पर भी किसी भी जगह पर आराम से पहुँच जाएंगे, वो शटल को रिटर्न कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो टोटली डिफरेंट थिंग होती है। बट वही चीज़ फुटवर्क के बारे में यही चीज़ है। एक और चीज़ जो उनके फुटवर्क में हेल्पफुल है, देखना मैं जो वर्ड बोल रहा हूँ हेल्पफुल है, आपको लगेगा वो कोर्ट में सिर्फ चल रहे हैं। देखो आप ऑफकोर्स आपके जब पास स्टेमिना होगा तो आप रिलीज को सर्वाइव कर पाओगे, राइट। अगर आपके पास अनलिमिटेड स्टेमिना होता तो आप सामने वाला आपको हरा ही नहीं पाता। ऑफकोर्स ये चीज़ थकाने वाली होती है, 40-50 शॉट्स हो जाए उसके बाद कोई एक तो भाई हार मानने वाला है, थकने के बाद वो शॉट नहीं मार पाएगा, पैर बंद हो जाते हैं, 30-40 शॉट्स होते हैं उसके बाद मूव करने, दिमाग भी भाई वो मतलब खून नहीं पहुँचता, स्टेमिना नहीं होता। तो वही चीज़ है स्टेमिना, ये इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बट यहाँ पे एक और प्रॉफिट है जो चेनलॉन्ग के पास है, वो है उनकी हाइट, अच्छी खासी 6'4" या 6'5" उनकी हाइट है, एक्सेलसन जितने ही है वो, ये चीज़ उनको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल करती है। एक और चीज़ आप फुटवर्क के बारे में अपने, मैंने खुद ने भी बहुत बार बोल रखा है कि अगर आपकी हाइट ज़्यादा है आपका फुटवर्क में अब बहुत इजी तो रहेगा, आप एक स्टेप में हर जगह पहुँच तो जाओगे, बट उतना ही आपके नी पर ज़्यादा बोल सकते हैं ना कि फोर्स आएगा, जितना आप बेंड करोगे, जितना ज़्यादा आप जंप्स लोगे उतना ही आपके नीज होंगे ना लेग्स के, उसके ऊपर ज़्यादा उतना ही ज़्यादा प्रेशर आएगा। बट यहीं पर एक और चीज़ आ जाती है, जब लोअर बॉडी और अपर बॉडी दोनों एक मतलब स्टेबल हो ना, कि अपर बॉडी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है और लोअर बॉडी भी उतनी ज़्यादा बड़ी नहीं, स्टेबल है, तब चांसेस बनते हैं चेनलॉन्ग जैसा प्लेयर बनता है। यहीं पे आप हमेशा देखोगे एक चीज़ कि जैसे ली चोंगवे, लिंडन है, ये सारे प्लेयर्स को आप देखोगे उनकी बॉडी अपर बॉडी और लोअर बॉडी होगी ना, लोअर बॉडी हमेशा कहीं पे भी देखना उनके
एब्स होंगे, एब्स होंगे, बट चेस्ट और जो बोलते हैं ना आर्म्स और ये सारे इतनी ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि उसका बोलते हैं ना कि उतना ज़्यादा यूज़ नहीं। ऑफकोर्स वो उसको ट्रेन करते हैं, बट उनको बॉडी नहीं बनानी है। ऑफकोर्स वो फ्लेक्सीबिलिटी पे भी आ जाता है कि अगर ज़्यादा मसल्स बन गए तो फ्लेक्सीबल नहीं रह पाओगे आप अच्छे से। ऑफकोर्स रह सकते हो बट अच्छे से नहीं रह पाओगे। वहीं पर उसी चीज़ के सामने है चेनलोंग। चेनलोंग के अगर आप पुराने उनके आप यूट्यूब पर सर्च करोगे ना कि जैसे उनके वो फुटवर्क और कैसे वो ट्रेन करते हैं, कैसे सारी चीज़ों के अंदर आप एक बेसिक चीज़ पे फोकस आप बहुत ज़्यादा करना कि उनकी मेजोरिटी मैंने जितने भी देख रखे हैं उसमें वो फुटवर्क और गेम प्ले पे बहुत ही ज़्यादा फोकस करते हैं। फुटवर्क पे मैंने देख रखा है उनके सिक्स कॉर्नर फुटवर्क को कैसे करते हैं, कितने ईजी तरीके से वो बैंड करते हैं, अपर बॉडी को कैसे बैंड करते हैं लोअर बॉडी के साथ। ये सारी चीज़ें आप गूगल पे जाकर यूट्यूब पे मिल जाएगी, आप सर्च करके देख सकते हो, ये चीज़ें आपको हेल्प करेगी। और वही चीज़ मैंने बोला कि हाइट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप गिंटिंग को ले लो और उनके सामने चेनलोंग को ले लो, चेनलोंग के पास हमेशा एक विंडो रहेगा कि वो जल्दी पहुंच जाएंगे कोई भी कॉर्नर पे और वो चाहे वैसा शॉट वहाँ से मार सकते हैं। वहीं पे अगर एंथोनी गिंटिंग को ले लो तो उनको भाई पूरे कोर्ट में बहुत ज़्यादा जल्दी तरीके से पहुंचना होगा, और गलती से भी एक छोटा भी शॉट सामने वाले जैसे चेनलोंग के हाथ में आ गया, फिनिश है, वहीं पर फिनिश कर देंगे। ये यंगर सेल्फ है जो चेनलोंग विक्टर एक्सेलसन 2018 के है। अभी के विक्टर एक्सेलसन को ये 2018 के विक्टर एक्सेलसन से आप थोड़ा भी डिफरेंस देखना चाहो तो वो ये है कि कुछ शॉट्स वो ऐसे ही स्मैशेस मारते रहते हैं, कुछ आप देखोगे कि उनके हाथ में मिल रही है वो फिनिश कर रहे हैं। ये वाला विक्टर एक्सेलसन है वो थोड़ी बहुत रैली को खींचता है, उनको जहाँ पे भी लगता है कि ये स्मैश मारूंगा मुझे पॉइंट है वो वहाँ पे फिनिश कर देते हैं। अभी के जो करंट में विक्टर एक्सेलसन है जिनको अभी अनबीटेबल इन द सेंस मोस्ट ऑफ द टाइम उनको कोई भी बीट नहीं कर पा रहा है, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उनके गेम प्ले में उन्होंने चेंजेस किए। अगर ये 2018 वाला एक्सेलसन को अगर आप ले लो, ऑफकोर्स जो अभी फाइनल हुए थे उसके अंदर चेनलोंग को हराया था, जो लास्ट ओलंपिक्स हुए थे 2021-22 शायद उसके अंदर ही हुए थे, उसके अंदर चेनलोंग को ये दोनों ही फाइनलिस्ट थे, फाइनल के अंदर विक्टर एक्सेलसन ने उनको हराया था। उसका सबसे बड़ा रीज़न ही ये है कि विक्टर एक्सेलसन को आप हमेशा देखोगे ये टूर्नामेंट के नेक्स्ट टूर्नामेंट जब वो खेलेंगे ना, तो लास्ट टूर्नामेंट में उनकी जो भी गलतियाँ होंगी उनको चेंज करके वो नेक्स्ट टूर्नामेंट में आते हैं। ये चीज़ एज अ प्लेयर आपको बहुत ज़्यादा मतलब चेंज कर देती है। अगर आप भी प्लेयर हो जैसे डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल कहीं पे भी अगर खेल रहे हो, आपके वीडियोस रिकॉर्ड करो, आपकी गलतियाँ कहाँ पे हो ये सारी चीज़ों पे रिकॉर्ड करो, और उसी के बाद जाके देखो कि यार यहाँ पे मैंने कहाँ गलती की थी, अपोनेंट कैसे है। अभी तो भाई सारी चीज़ें अवेलेबल होती है, जाके देखो 2013-14-15-16 ये एरा जो था उसके अंदर आप सिर्फ आपका कोच और आप हो, जो आप नोट्स लिख रहे हो ना कि सामने वाला ये कर रहा है वो कर रहा है, बस उतने नोट्स ही आपके पास अपोनेंट के उतने ज़्यादा वीडियोज़ अवेलेबल नहीं है, वो कैसे प्ले कर रहा है, कैसे उसकी गेम प्ले चल रही है, कुछ भी अवेलेबल नहीं है। अभी तो ए टू जेड सारी चीज़ें अवेलेबल रहती है इंटरनेट पे, तो वो चीज़ें देखो कैसे ऐसे जैसे टॉप क्लास प्लेयर्स है जैसे चेनलोंग है, विक्टर एक्सेलसन है, हमेशा ये चीज़ याद रखना कि जो बेस्ट है जिस चीज़ में, जैसे स्मैशिंग पावर में देखो तो सात्विक और चिराग शेट्टी है, सात्विक से उनसे स्मैशेस सीखो, वो कैसे वो स्मैशेस मारते हैं उनसे सीखो। फुटवर्क के बारे में चेनलोंग से सीख सकते हो, आपने जो स्टेमिना प्लस फुटवर्क और गेम प्ले को कैसे कंबाइन करके टॉप टीयर लेवल बनना हो तो आप विक्टर एक्सेलसन को देख सकते हो। तो यही सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इस वीडियो के रिलेटेड। कोई भी क्वेश्चंस और क्वेरीज हो कि यार आपको कुछ चीज़ें समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और चैनल तो है ही भाई।